हमने 8.3 स्टार्ट कर ली थी और इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे कुछ। अब तीन क्वेश्चन तक कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? चौथा क्वेश्चन है, 10A बराबर है 10B, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, ए प्लस बी बराबर है 90, ये आंसर लाना है हमने। एक मिनट रुकना, हमने आंसर क्या लाना है, ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा, यहाँ 10A बराबर, यहाँ कॉट कॉट है बराबर कॉट बी है। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा के बराबर होता है, ये चीज पढ़ी थी। तो यहाँ क्या है, 10 दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, 10 को किस में लिखता हूँ, कॉट में, 10 को कॉट में, तो 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट साउंड नहीं आ रही क्लियर। 90 माइनस ए, सिग्नल प्रॉब्लम होनी आपके साइड मुझे ऐसे लग रहा है, बराबर है कॉट बी। दोनों कॉट बराबर है तो उसके एंगल भी, मतलब अंदर के कोण भी बराबर होंगे, तो 90 बराबर है, माइनस का ए बराबर से पार गया, प्लस का बना, तो ये आ गया आंसर। ये सिद्ध कर दिया जो पूछा था कि ये सिद्ध करना, ये चीज समझ आई? यस ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमने कर लिए थे पहले ही। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट 4A बराबर है कोसिकेंट ए माइनस 20। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए निकालो, ए निकालना है कि ए क्या होगा, तो सिकेंट और कोसिकेंट बराबर है, तो हमने इनके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सिकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है ये। ठीक है, तो और एक पढ़ा था कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट थीटा के बराबर, तो दो में से कोई भी फॉर्मूला लगाना, लगा देना। यहाँ सिकेंट दिख रहा है, इस साइड सिकेंट है, इधर भी सिकेंट है, इधर सिकेंट दिख रहा है, तो मैं इस सिकेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, यहाँ 4A है, 4A आएगा, बराबर है कोसिकेंट ए माइनस 20, ये आएगा, दोनों कोसिकेंट बराबर है, दोनों कोसिकेंट बराबर है तो इसके एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब 90 इधर ही रखा, माइनस का 20 बराबर से पार चला गया, प्लस का 20 बना, माइनस का 4A बराबर से पार गया, प्लस का 4A, यह 90 प्लस 20 110, ए प्लस 4A 5A, तो यहाँ आएगा, ये आ गया ए, जैसे ही इसे भाग दोगे ये आएगा 22। नहीं किसी को दिक्कत इसमें? सर। तो जिन्होंने नो पिछली सर। क्लास, ओके ओके, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लगाई होगी तो उनको दिक्कत आएगी, जिनको फॉर्मूले पता नहीं है। ठीक है, जिनको फॉर्मूले पता नहीं है उनको दिक्कत आएगी ही आएगी इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, खुद एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6।
তোকে রূপবন্ধা না শুনি না ठीक है ठीक है। ए बी सी त्रिभुज के कोण है, ए बी सी किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल है, तो मुझे ये सिद्ध करना है, मतलब ये शो करना है, ये आंसर लाना है। तो अगर त्रिभुज अच्छा के तीन कोण है ए बी सी, तो उसके सभी कोणों का सम, ठीक मतलब उन सभी के कोणों को अगर मैं जोड़ू, आंसर कितना आएगा, 180। ठीक है, तो यहां से करोगे क्वेश्चन, तो इसे ट्राई करो एक बार। तीन स्टेप का क्वेश्चन है ये, तीन स्टेप। बता रहा हूं, तो ये देखो, मुझे ये चीज प्रूव करनी थी, त्रिभुज के तीनों एंगल, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, उसके बाद हिंट क्या थी, मुझे ये प्रूव करना है। उसे प्रूव करने के लिए मैंने क्या देखा, बी और सी इकट्ठे है, बी और सी क्या है, इकट्ठे ठीक है, तो बी और सी रखा इकट्ठा, ए ले गया मैं दूसरी साइड, तो 180 माइनस ए। उसके बाद क्या है, बी और सी के बटे में दो है, तो मैंने दोनों साइड दो से भाग दिया, दो से इसको भी भाग दिया और इन दोनों को भी भाग दिया, अलग अलग दे दिया। उसके बाद सॉल्व करके ये सभी आया। कोडिंग कर उसके बाद नेक्स्ट, साइन मैंने लिया दोनों साइड, क्योंकि इस साइड क्या है, साइन, दोनों साइड मैंने साइन लिया, इधर भी साइन लिया, इस साइड भी साइन लिया। अब साइन ये तो ऐसे ही रहा, अब पीछे क्या बचा, साइन 90 माइनस ए, इसका होता है फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा के बराबर होता है, इसके बराबर। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये होगा आपका कॉस थीटा, तो ये होगा आंसर। तो ये चीज प्रूव कर ली। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, ये दिया हुआ है, बोला है कि 0 से 45 के बीच में कोण बनाने हैं मैंने इसके, मतलब इसके एंगल मैंने 0 से 45 डिग्री के बीच लिखना है, 0 से 45 डिग्री के बीच। ठीक है, ये कोण 67 है, तो इसे मैंने 0 से 45 के बीच बनाना है। ये कोण कितना है, 75, ये एंगल कितना है, 75, तो इसे मैंने 0 से 45 के बीच बनाना है। तो साइन, अब 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 67 बचे, 23, 90 में से 23 माइनस करने पे, 90 में से 23 माइनस करने पे क्या बचेगा, 67 कॉस 90 माइन, अब 90 में से क्या माइनस करूं कि 75 बचे, 15, तो साइन, अबे 90 माइनस थीटा, अब देखो ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा, तो ये आंसर आ गया। इतना ही था, ये समझ आया सबको? हाँ, यस जिनको समझ नहीं आया, सर, हाँ यस अगर किसी को समझ नहीं आया तो सर, मैं पहले बता दूं, क्योंकि पिछले लेक्चर नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चलो।
नेक्स्ट चलते हैं। अब 8.4 का चल रहा है, मैं 8.4 अभी पूरी नहीं कराऊंगा, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इसके, क्योंकि ये थोड़ी एक्सरसाइज हार्ड है, पहले बता रहा हूँ। 8.3 अगर आपका 10वां 8वां चैप्टर 10 नंबर का आया, तो 10 में से 7 नंबर आपके 8.8, 8.2 और 8.3 से आएंगे 7 नंबर का, और 3 नंबर का आएगा 8.4 से, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर ये 10 नंबर की आई तो 7 नंबर का इसमें से आएगा, और 8.4 में पूरी नहीं कराऊंगा अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, आधी कराऊंगा मैं, कुछ चलो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इम्पोर्टेंट चीज प्रूव करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज है ये, ये आया एच, ये आया पी, ये आया बी, ठीक है, यहाँ थीटा है। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक पहली बार इस प्रमेय को, इस थ्योरम को एच स्क्वेयर से भाग दे रहा हूं, एच स्क्वेयर से भाग दे रहा हूं, तो एच स्क्वेयर से मैंने भाग दिया दोनों साइड। एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर कटा, एक आया पी बटे एच, पी बटे एच क्या होता है, साइन और थीटा, और दोनों जगह स्क्वेयर है तो यहाँ क्या आएगा स्क्वेयर, बी बटे एच कॉस थीटा होता है, दोनों जगह स्क्वेयर है स्क्वेयर है, ये आया मेरा पहला फार्मूला, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं साइन के स्क्वेयर को कॉस के स्क्वेयर से जमा कराऊं तो उसका आंसर 1 होगा, और ये तभी होगा अगर दोनों के जो कोण है सेम होंगे, जैसे कि साइन स्क्वेयर 39 प्लस कॉस स्क्वेयर 39, इसका आंसर पूछा आपसे, तो दोनों जगह 39 39 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू सेम है, और साइन के स्क्वेयर को कॉस के स्क्वेयर के साथ जोड़ा, आंसर क्या आएगा 1। ये चीज समझ आई एक सबको, ठीक जी यस सर है, यस गुड। उसके बाद जैसे बोला कॉस स्क्वेयर 49 प्लस साइन स्क्वेयर 49, दोनों के स्क्वेयर को मैं जमा करा रहा हूँ, ठीक है, पर ये एंगल क्या है, सेम है, ये एंगल क्या है, सेम है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये हमने पहली चीज पढ़ी, तो इसे याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक सर है। तो हमने क्या पढ़ा, पहला क्या प्रूव किया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब उसी तरह फिर एक और निकालते हैं, जैसे हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय ये थी, एच स्क्वेयर बराबर है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, पहले मैंने किससे भाग दिया, एच स्क्वेयर से, अब किसी और से भाग दे देते हैं, अब मैं भाग दे रहा हूँ इसको पी स्क्वेयर से, जैसे भाग दिया एच बटे पी, ये क्या होता है कोसिकेंट थीटा, दोनों जगह स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगेगा, पी स्क्वेयर से पी स्क्वेयर कटा 1, बी बटे पी ये होता है आपका कॉट, और दोनों जगह स्क्वेयर है तो ये आया आपका अगला आंसर, और ये वाला ये फॉर्मूला अगला, ठीक है, ये याद रखना है। इसे कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस का कॉट स्क्वेयर थीटा बराबर से आ रहा है, बराबर है 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1, इसे ऐसे याद रखना। तो जैसे इसमें बोला आपको कि बताओ कोसेकेंट स्क्वायर 31 माइनस कॉट स्क्वायर 31 का मान बताओ, अब यहाँ कोसेकेंट स्क्वायर में से जब कॉट स्क्वायर माइनस करूंगा मैं, और दोनों में कोण बराबर है, दोनों में कोण बराबर है, तो उसका आंसर क्या आता है 1।
जैसे कोसेकेंट स्क्वायर 43 माइनस कॉट स्क्वायर 43, कोसेकेंट स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, एक। ठीक ठीक है, तो उसके बाद तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या रहा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है एक। एक ठीक है, सेम। अब फिर सर अगला फार्मूला प्रूव करते हैं। हमने एच स्क्वायर से भी भाग दे दिया, पी स्क्वायर से भी भाग दे दिया, पीछे क्या बचा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से भी एक बार भाग दे दे, स्क्वायर हाँ दे दो दोनों साइड। एच बटे बी क्या होता है, सीकेंट थीटा, और दोनों जगह स्क्वायर तो यहाँ लगेगा स्क्वायर। पी बटे बी क्या होता है, टेन, दोनों जगह स्क्वायर है तो लगा दो, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया एक, ये क्या आया, सीकेंट एक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है एक। तो अगर मैं सीकेंट स्क्वायर में से टेन स्क्वायर माइनस करूं और दोनों का कोण मतलब एंगल सेम है तो आंसर क्या आएगा, एक। ठीक है, एक तो जैसे बोला सर आपको, जैसे बोला सीकेंट स्क्वायर 46 माइनस टेन स्क्वायर 46, इसका उत्तर बताना है। तो सीकेंट स्क्वायर में से टेन स्क्वायर माइनस किया, दोनों का एंगल सेम है, आंसर क्या आएगा, वन। ये चीज सबको समझ आई, ठीक। यस सर ओके, किसी को दिक्कत, सर ओके। तो अगर ये समझ आए, कुछ क्वेश्चन करते हैं 8.4 के। तो आप जैसे बोला है, बीच बीच के क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में जैसे ये आ सकता है, चौथे का पहला क्वेश्चन, 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 टेन स्क्वेयर ए, बोला है किसके बराबर है। तो ऐसा सा टेन फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जैसे जिसमें सीकेंट स्क्वायर दिख रहा है, तो ये अभी पढ़ा है हमने, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। तो अब यहाँ क्या देख रहा हूँ मैं, नाइन देख रहा हूँ, यहाँ भी नाइन देख रहा हूँ, नाइन लिया कॉमन, ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये बचा, और सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, वन। तो नौ एकम वन नौ आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर आया बी ऑप्शन आया, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। किसी समझ आए, किसी कोई दिक्कत किसी को, आवाज नहीं आ रही आपकी। सिग्नल की कमी तो नहीं है, किस किस को आवाज नहीं आ रही है, नितिन आ रही आवाज, सर अयान, सर अब भाई ये सिग्नल की कमी होनी मुझे ऐसे लग रहा है। पर यस सर मुझे आ रही ठीक है, अब जैसे पहला ऑब्जेक्टिव कर लिया है, अब फोर्थ का पहला पार्ट हमने कर लिया है, तीसरा पार्ट करते हैं, अभी बीच बीच में करा रहा मैं, ठीक है। जो कल क्लास लगेगी, जितने क्वेश्चन होंगे उतने होंगे, ठीक है। आप लोगों ने अब उससे पहले 8.3 पढ़ लेना, 8.1 पढ़ लेना, 8.2 पढ़ लेना, ये सारी चीज पढ़ लेना आप लोगों ने, ठीक है, ठीक ये सारी चीज पढ़ लेना, सर तब होंगे इसके क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो अब है सीकेंट ए प्लस टेन ए, वन माइनस सीकेंट ए, इसका आंसर बताना है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखो सीकेंट किसका उल्टा होता है ये बताओ, सर पहले सीकेंट किसका उल्टा होता है, भी याद होना चाहिए, सीकेंट किसका उल्टा होता है। अब हमें क्या बताया, सीकेंट थीटा और कॉस थीटा को गुणा करके आंसर क्या आता है, एक आता है। तो सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को एक के बटे में ले जाओगे, एक बटा
कॉस थीटा, बटा तो सिकेंट की जगह क्या लिखोगे, एक बटा कॉस। ये चीज समझ आई? ये मैं पहले बता चुका हूं कि दो नंबर जो एक दूसरे के उल्टे हैं उन्हें गुणा करके आंसर क्या आता है, एक आता है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? सर उसी तरह यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा कैसे आता है, अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दूं तो ही टेन थीटा आता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो ही टेन थीटा आता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ ए है तो ए लिखोगे, यहाँ ए है तो ए लिखोगे। वन माइनस, अब सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कॉस ए, ठीक है? अब एक है, ऐसे ही लिखा साइन ए वैसे ही लिखा, बटे कॉस ए दो जगह है तो एक जगह लिख दिया कॉस ए, तो कॉस ए की मल्टीप्लाई इधर हुई कॉस ए माइनस वन बटे कॉस ए। पाँच छः अभी कुछ इस क्वेश्चन में तोड़ गलती, रुक जा रुक जा, वन माइनस साइन सॉरी गलत लिखा है क्वेश्चन, यहाँ सीकेंड नहीं, यहाँ साइन आना था, कर यहाँ क्या आना था, साइन, यहाँ सीकेंड गलती से लिख दिया साइन ए, आधा क्वेश्चन ऊपर का लिख दिया, वन माइनस साइन रहे। ए, यहाँ वन माइनस साइन ए, रुक जा, ये वन माइनस साइन ए, अच्छा ठीक है? तो देखो ये आया, अब देखो ये कैसे दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा दिख रहा है ये, इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह ए की जगह क्या है, वन वन स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, साइन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है? ये चीज समझ आई? नो कोई दिक्कत किसी को? सर। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वेयर ए, हमने देखो यहाँ साइन स्क्वेयर दिखा और साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, एक के बराबर, ठीक है? ये होता है, तो यहाँ वन का स्क्वेयर वन होगा, यहाँ साइन स्क्वेयर ए बटे कॉस ए, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वन माइनस साइन स्क्वेयर ए की चाहिए, तो इस साइड ले गया मैं, यहाँ क्या है कॉस स्क्वेयर ए वन माइनस साइन स्क्वेयर ए, वन माइनस साइन स्क्वेयर ए का आंसर क्या आता है, कॉस स्क्वेयर ए, तो इसकी जगह क्या रखूंगा मैं, कॉस स्क्वेयर ए, तो ये आया कॉस स्क्वेयर ए बटे में भी क्या है कॉस ए, ठीक है? यहाँ कॉस की कितनी पावर है, दो, यहाँ एक है, एक कट गई, पीछे क्या बचा, एक कॉस, तो कॉस ए आया आंसर। ये चीज समझ आई? यस अभी मैंने ओनली दो क्वेश्चन समझा सर। है, ठीक है? दो ही क्वेश्चन समझा है, ठीक है? और एक लास्ट क्वेश्चन देख लो जो समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव, इसके बाद क्लास खत्म करता है। तो पहले बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, एक चाहे मैं एक दिन में तीन ही कराऊं इसके, पर ध्यान से पढ़ना वो चीज। तो अगला क्वेश्चन है, वन प्लस टेन स्क्वेयर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए, ठीक है? अब इसका आंसर बताना है। अब देखो मुझे क्या बताए, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इन दोनों को गुणा करके क्या आता है, एक आता है, ठीक है? तो कॉट ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक बटे टेन ए, तो इसको तो कॉट ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक बटे टेन ए, वन प्लस टेन स्क्वेयर ए, वन प्लस कॉट ए की जगह एक बटे टेन ए का कैन स्क्वेयर, ठीक है? अब एक प्लस टेन स्क्वेयर ए, एक प्लस एक का स्क्वेयर एक, और नीचे आएगा टेन स्क्वेयर ए,
ठीक है, अब 10² ए की गुना इसके साथ हुई, 1 प्लस 10² ए, ये आएगा 10² ए प्लस 1/10² ए। ये देखो ऊपर जो नंबर है वही नीचे वाला नंबर है। दूसरी बात, जो मेन बटे के नीचे वाला होता है वो हो जाता है उल्टा, पहले इसे काट दो और ये हो जाएगा उल्टा, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा 10² ए। ये आपका आंसर। ये चीज समझ आई? यस सर, ठीक है। यस सर।